हम वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा कर रहे थे। नाम अपराध को चर्चा करते हुए पहला नाम अपराध उन वैष्णव भक्तों को निंदा करना जिन्होंने अपन संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किया है। तो पहला नाम अपराध है तो वैष्णव अपराध। तो ये वैष्णव अपराधों को हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो हम पिछले क्लास में चर्चा किए और उसके भी पीछे क्लास में हमने चर्चा किए थे किस प्रकार से क्या क्या कारण है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध होती हैं। तो हमने बहुत सारा पॉइंट्स को चर्चा किए उसमें, और पिछले क्लास में मैंने कुछ उदाहरण भी दिया था आपको कि इस प्रकार से हम भक्तों को पहचान नहीं पाते हैं और किस किस रूप में नहीं पहचान पाते, कौन सी परिस्थिति में नहीं पहचान पाते, उसको हमने डिटेल्स में चर्चा की है जिसके द्वारा हमारे से अपराध हो जाते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे चर्चा करते हुए तो श्री चैतन्य चरितामृत में हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, मैं शेयर कर लेता हूं, तो यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े वा छिंडे तार सुखी जाए पाता। अगर कोई यहाँ पर वैष्णव अपराध बताया गया कि जो वैष्णव अपराध है ये हाथी माता की जैसा है, यानी मत्त हाथी, मताल हाथी या पागल हाथी की बराबर है, तुलना की गई है वैष्णव अपराध को। और ये वैष्णव अपराध के द्वारा होता क्या है या ये पागल हाथी क्या करती हैं कि पागल हाथी अगर कोई बगीचा में घुसती है और उस बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर लताएं हुआ है, बड़े बड़े वृक्ष नहीं लताएं का गार्डन है, तो क्या करता है हाथी माता यानी माताल हाथी, माता यानी यहाँ पर मम्मी नहीं है, माँ नहीं है, माता यानी माताल हाथी यानी पागल हाथी। तो क्या करता है वो जब गार्डन में या बगीचा में घुसता है तो जो भक्ति लता बीज, और यहाँ पर भक्ति को लता के रूप में प्रस्तुत किया गया या तुलना की गई है लता के रूप में, वैसे कोई लता उस गार्डन हुआ है तो लता का क्या करेगा उपाड़े उखाड़ कर उसको सारे पत्ते को तोड़ देती है। और फिर तोड़ने के बाद होगा क्या, लास्ट में तार सूखी जाए पाता, उसका पत्ते सब सूख जाता है कि नहीं। तो वैसे ही हमारा भक्ति का जो लता है बहुत ही कोमल है, अभी शायद ही अंकुरित हो रहा है। अगर आप कोई खेती किए होंगे आपको पता होगा, तो अगर आप बीज बोते हैं और उसमें जल सिंचन करते हैं तो उसमें पहला एक अंकुर या एक अंकुरित होगा वो, और धीरे धीरे दो चार पांच दिन में वो क्या होगा उसको अच्छे से आप जत्न लोगे तो उसमें पहले दो पत्ता निकलता है, आपने देखा होगा सर, दो पत्ते निकलते फर्स्ट है ना, और उसके बाद धीरे धीरे और थोड़ा बड़ा होगा और दो पत्ते निकलेंगे। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वो वृक्ष, वैसे वैसे उसमें से पत्ता निकलता रहेगा। तो अभी खास करके हम लोगों का भक्ति कैसा है, बहुत कोमल है और निर्भरशील है, और उसमें पत्ते बिल्कुल अभी अभी पत्ते आ ही रहे हैं, पत्ते आए नहीं अभी तक है कि नहीं, वो लता अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है। और उतने में ही अगर कोई हाथी आके, हाथी को तो उखाड़ने का जरूरत भी नहीं, हमारे जैसा भक्ति का लता को हाथी को उखाड़ने का जरूरत नहीं, बस पैर से कुचल दे, बस उसके ऊपर से चल के निकल जाए, बस हाथी अगर उसके ऊपर पैर रख के निकल गया तो खत्म, हम हमारा भक्ति को कुछ भी नहीं बचे। तो ऐसा परिस्थिति हम लोगों का, और हम लोग ने बड़ा तान के चलते हैं, परिस्थिति इतना गंभीर है फिर भी हम बड़े तान के चलते हैं, हम खुले आम अपराध करते हैं, खुले आम निंदाएं करते हैं, तो बताइए क्या स्थिति होगी। तो यहाँ चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है कि इस प्रकार से अगर वैष्णव अपराध हाँ कोई करता है तो उसकी जो भी क्या है लता है भक्ति का, वो सूख के खत्म हो जाता है, उसके पत्ता भी टूट जाते हैं और सूख जाता है कि नहीं। ये हमने पढ़ लिए थे वैसे। तो हरिभक्ति विलास में कहा गया है
निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां वतन्ति पितृभिः साध्यं महारौरव संगीते। हरिभक्ति विलास का श्लोक क्या बोलते हैं, निंदा कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां, जो मूर्ख यानी जो वैष्णवों का निंदा करता है वो मूर्ख ही है। इसके लिए यहां पर पहले ही बता दिया क्या, जो मूर्ख वैष्णवों का निंदा कुर्वंती निंदा करता है महात्माओं का, वो क्या होता है, पतंती पितृ भी साघ्यम, ये चर्चा किए थे हम लोगों ने, उसका क्या स्थिति होती है, वो खुद भी गिरता है नरक में, पतंती गिरता है, पितृ भी साघ्यम उसके पितृ पुरुषों के साथ साथ कहाँ गिरता है, महारौरव संगीत ही, वो महारौरव नरक में पड़ता है। आप लोग ने भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने नरक का वर्णन किए, 28 नरकों का वर्णन है, 22 प्लस 6 28 नरकों का वर्णन। तो उसमें एक नरक है रौरव और एक नरक है महारौरव। वो नरक में क्या होता है पता है, वहां पर एक रुरु नाम का एक पक्षी होती है और उसका चोंच बहुत बड़ा होता है, बड़ा क्रोध में रहता है वो हमेशा, वो पक्षी वो क्या करता है, मांस आपको वहां पर डाल दिया जाएगा और एक पक्षी नहीं रहता वहां पर, ऐसा रुरु नामक पक्षी बहुत सारे होते हैं और आपका मांस को नोच नोच कर वो खाएगा, वो पक्षी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो आपका मांस को नोच नोच के खाएगा। महारौरव नरक, अब बताओ आप चिल्लाओगे चीखोगे कुछ नहीं होने वाला उधर। न्याय माता जी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आप, कहाँ गए आप स्क्रीन में, हाँ बोलिए क्या बोल रहे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जब अपना शरीर तो यही रह जाता फिर मांस वहां कहाँ से आया। अच्छा आप लोग आप तो भागवत पढ़ ही लिए ना, इसमें एक एक यातना शरीर मिलती है, यातना शरीर मिलती है जब आप नरक चलते हैं वहां पर एक यातना शरीर दी जाती है। तो वहां पर वर्णन है कि ये जीव तो ये शरीर को यहाँ छोड़ता है और उसको सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, तो वो सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार ये तीन रहता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर जाके उसको नरक में यातना के लिए एक यातना शरीर दी जाती है, एक फर्स्ट क्लास शरीर दी जाती है। वो शरीर का स्पेशलिटी क्या है पता है, ये शरीर को दो तीन चार टमाटर खींच के मारेगा तो ये शरीर छोड़ देगा, प्राण चला जाएगा, मगर उसमें कितना भी कष्ट मिले वो शरीर छूटेगा नहीं। समझा है ना, शरीर नहीं छूटेगा। यहाँ पर अगर आपका कोई गला काट दे ना, सर से धड़ अलग हो गया तो आपका प्राण चला जाएगा, आप बचोगे नहीं, कितना समय बचोगे, अगर गला कट जाएगा तो दो चार सेकंड या एक मिनट ज्यादा से ज्यादा फड़फड़ाओगे फिर खत्म हो जाओगे, ठीक है, प्राण निकल जाएगा। मगर बात मत करो क्लास चल रहा है ना, तो मगर वो यातना शरीर में फैसिलिटी क्या है पता है, कितना भी कष्ट मिले प्राण नहीं जाएगा, ये है फैसिलिटी। तो यहाँ यातना शरीर मिलेगा तो वो भी शरीर दिखने के लिए ऐसे ही रहेगा, मांस वगैरह सब रहेगा, और जो जैसा आपके जगह पे जो नरक में जाएंगे वहां के हिसाब से आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास बना दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको सुई चुभता है तो जो कष्ट होती है वहां नरक में इसका 1 करोड़ गुना ज्यादा कष्ट होगा, यानी यहाँ पर एक तमाचा लगाना पर जो आपको कष्ट होगा वहां पर 1 करोड़ तमाचा लगाने का कष्ट होगा एक साथ में, आप सोचो कितना भयंकर होगा ना यातना शरीर। तो वैसा शरीर वहां मिलती है और रूरो नामक पक्षी क्या करता है, वो नुच नुच के खाता है, जो भी है उसका टॉपिक ही नहीं है, मगर कहने का तात्पर्य यह है कि महारौरवे महारौरव संगीते, रौरव नरक में जाएगा, महारौरव नरक में जाएगा वो व्यक्ति अगर जो वैष्णवों को निंदा करता है, तो जिनको डर है वो तो नहीं करेगा, जो डरता ही नहीं बोला कि अरे कौन देखता है, छोड़ो ना यार कहाँ कौन देखा है नरक, कोई देखा है क्या, तो आप कर सकते हो, जो लोग को अनुभव करना होगा आप कर लेना निंदा वैष्णवों का, जिनको समझ में आ गया वो मत करो, ठीक ही नहीं है, तो टेस्ट मत करो या ट्रायल मत करो या परीक्षा मत करो, देखते हैं। अब जब पता चल गया वहां पर क्या बोलते हो इलेक्ट्रिक का 5,000 वोल्ट का या 10,000 वोल्ट का वो बिजली है और वहां लिख दिया जाता है एक बोर्ड में
अब बड़े बड़े जो ट्रांसमीटर्स रहते हैं ट्रांसफार्मर, वहां बोर्ड रहेगा लाल कलर की बोर्ड में व्हाइट कलर में लिखा रहेगा, या व्हाइट कलर की बोर्ड में लाल कलर में लिखा रहता है खतरा डेंजर करके लिखा रहता है एकदम बड़े बड़े अक्षर में, और नीचे लिखा रहता है वोल्टेज इतना है या मत छुइए, है ना। अब बोले कि नहीं नहीं थोड़ा छू के देखता हूँ झटका लगता है कि नहीं लगता, तो तब छू लेना, अगर झटका खाना है तो छू लो। जो समझ गया है पहले थोड़ा परीक्षा करते झटका लगता है नहीं लगता है तो आप छू लो। अब ऑलरेडी परीक्षा कर कर ही वो लोग बोर्ड लगाया है वहां पर, आप समझ में आ रहा है, तो आप लोग वो परीक्षा अलग से करने मत जाना, जाओगे तो झटका खाओगे ही खाओगे। एग्जैक्टली ज्ञान शास्त्र में वर्णन की गई है ये सब ऑलरेडी परीक्षा, अभी हम देखेंगे, मैं आपको उदाहरण बताऊंगा क्या क्या कौन कौन अपराध कर कर कैसे कैसे दंडों को भुगते वो लोगों ने, क्या क्या परिस्थिति क्रिएट हुआ उनके साथ, उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम को सामना किए, कितने कष्ट भुगते वैष्णव अपराध कर कर। मैंने गीता से सॉरी भागवत से अलग अलग शास्त्रों से चैतन्य भागवत चैतन्य महा चैतन्य चैतन्य से मैं बताऊंगा। तो खैर यहाँ पर बताया गया अगर कोई निंदा करता है तो वो अकेला ही नहीं, चलो अकेला जाता तो भी चलता है, उसकी सारे पूर्वज पितृपुरुषों को लेके गिरेगा नरक में। मान लो कहीं पर भी हमारे पितृपुरुष रहेंगे वहां से सीधा नीचे नरक के वहां, मान लो जनलोक तक पहुंच गए कैसे ना कैसे करके जनलोक पहुंचे पुण्य कर करके, है ना। तो अगर आपने निंदा करोगे वैष्णव को अपराध करोगे आपकी वजह से वो सारे गिरेंगे जहां जा रहेंगे, आपकी आपकी दादाजी आपके दादाजी के बाप उनकी बाप सब सब गिरेंगे, आपकी नानी जी नानी जी की नानी जो भी है सब गिरेंगे नीचे। तो देखो फायदा कितना है भक्ति में, अगर आप शुद्ध भक्ति करते हो तो 21 पीढ़ी जाएगा भगवत धाम, अगर आप वैष्णव निंदा करते हो तो पूरा 21 पीढ़ी ही नीचे निकलेगा नीचे जाएगा। हमारे हाथ में है, देखिए गृहस्थ आश्रम मीन्स भोग का आश्रम नहीं है, स्त्री भोग करेंगे धन भोग करेंगे ऐश्वर्य का भोग करेंगे, ना 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 ना, गृहस्थ आश्रम शास्त्र में बताया गया गृहस्थ आश्रम इसके लिए है, उनका जिम्मेदारी उनका कर्तव्य होता है उनके पितरों का उद्धार करना, उनके पूर्वों से उनका उद्धार करने के लिए, जैसे कि हमें हमारा अगर पुत्र है वो पुत्र को हम ऐसे ट्रेन करने चाहिए वो पुत्र इतना बढ़िया भक्त बने ताकि उनकी भक्ति के द्वारा वो जितना भी हमारे पूर्व पुरुष जहां जहां भी हैं कौन से नरक में भी हैं वो सबका कल्याण कर सकता है। मगर मुझे कोरो डिस्टर्ब है तुम आपसे मुझे आंसर ना चुपचाप हो से क्या बस ना तुमको तो सब नरक में गिरेंगे है कि नहीं। सो इसके लिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, सब लोग नरक में जा सकते हैं, और अगर शुद्ध भक्ति होगा तो सब लोग भगवान के धाम जाएंगे। ये हरि भक्ति विलास में कहा गया है, आपको पता है जिस समय हिरण्यकश्यप का अत्याचार खूब बढ़ गया, खूब बड़ा था, तो बहुत उपद्रव कर रहा था, तो सारे देवता लोग मिलके गए भगवान के पास, कहाँ पर गए, क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ करो, ये हिरण्यकश्यप तो बहुत ही अत्याचार कर रहा है। तो उस समय भगवान ने बताया कि मैं तब तक उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक वो वैष्णव अपराध नहीं करता है, तब तक मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ, ये वैष्णव अपराध एक बार करे फिर इसका खैर नहीं है। और भगवान ने बोले ये करेगा 100% इसकी बेटा के, बेटा मीन्स उसकी बेटा के प्रति ही करेगा, और उसकी बेटा महान भक्त होने वाला है प्रहलाद, भगवान ने बोले थे देवताओं को, बोले कि 100% अपराध करेगा इनकी बेटा के प्रति ही करेगा और उसी के कारण मैं प्रकट होऊंगा इसको वध करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भगवान ने बोले थे, यानी हमको सब बचा सकते हैं तब तक जब तक हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं, एक बार अपराध शुरू किए तब तो हरि ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे हमको, ना किसी की बस की बात नहीं बचाने का। तो यहाँ पर वही श्लोक है कि ये कहते हैं कर पैतृश्च कल्यन्ते फल्यन्ते सुब क्या सुति बैर्ज्य मसासन निंदाम कुर्वन्ति ये पापा वैष्णवानाम महात्मनाम। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज की प्रसंग में कहा गया है, ये दोनों बात कर रहे हैं कि दोज सिंपल पीपल हु ब्लेस वैष्णवास हु आर ऑल ग्रेट सोल्स आर सब्जेक्टेड वेरी सेवरली टू बी पनिश्ड पनिशमेंट ऑफर्ड बाय यमराज। इन लोग को बहुत भयंकर यमदंड मिलेगी जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं। तो ये हरिभक्ति विलास में बताया गया है अधिकारी वैष्णवेरा
ना भुजी बाबा अधिकारी वैष्णव ना बुझी व्यवहार जे जन निंद तार नाही को निस्तार जे जन निंद तार नाही को निस्तार अधम जनेर जे चार जे धर्म अधम जनेर जे चार जे धर्म अधिकारी वैष्णव करे से कर्म अधिकारी वैष्णव करे से कर्म क्या कह रहे हैं अधिकारी वैष्णव ना बुझी व्यवहार जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के उन लोगों का जो व्यवहार है सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जे जो ना निंदा है नहीं समझ कर जो निंदा करता है तारो नाही को निस्तार उसका निस्तार बिल्कुल भी नहीं है। अधम जनेर जे आचार जे न धर्म अधिकारी वैष्णव करे से ही कर्म कैसे दिखेंगे अधिकारी लोग ऐसे लगेगा कि हमारे जैसा ही कर्म कर रहे हैं वो लोग कैसे दिखेंगे सामान्य कर्म कर रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं बैठ रहे हैं घूम रहे हैं सब कर रहे हैं। हम नॉर्मल देखते ना हम यही सोचते ना वैष्णव का हमारे जैसे ही है अरे ये वैसा ही तो है वही तो खाते हैं वैसे ही तो सोते हैं हमारे जैसा ही सोते हैं हमारे जैसे चलते हैं हम भी गाड़ी में जाते हैं ये भी तो गाड़ी में ही चलते हैं ये तो फ्लाइट में घूम रहे हैं हमसे तो ज्यादा ही फैसिलिटी में घूम रहे हैं ये लोग तो हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं उनको तब क्या होती है तब अपराध हो जाते तब अपराध हो जाते और उसको समझने के लिए कृष्ण कृपा से या जानी बारे पारे शेषो भव संकट को मोरे के उतरे अगर कृष्ण का कृपा हो कृष्ण कृपा से यह जानी बारे पारे अगर कृष्ण का कृपा होगा तो ही वो समझ पाएगा नहीं तो ये सब संकट के मोरे के उतरे अगर नहीं समझ पाया ना कोई तो मरता है कोई तो तरता है अगर कृष्ण का कृपा हुआ तो तर जाता है और नहीं समझ पाए तो मारे मरता है। फिर भागवत में कहते हैं आयुः श्रीयम यशो धर्मम लोकानाम आशीष एव च ये सारा मैं प्रमाण दे रहा हूं बस अभी फिलहाल सारा शास्त्र प्रमाण है आयुः श्रीयम यशो धर्मम लोकानाम आशीष एव च हंतिरिषयांसि सर्वाणि पुंसो महदि अतिक्रमः क्या बोल रहे हैं एक महत अतिक्रम एक महत यानी एक भक्त के प्रति अपराध करने से क्या होती है क्या क्या घट जाती है क्या क्या लॉस है आयु आयु घटती है पहला क्या है आयु घट जाती है आयु और क्या श्रीय श्रीय यानी सुंदरता श्रीय यानी सुंदरता यशो यश यानी नाम जो है यश नाम है तीसरा धर्मम धर्म लोकान आशीष एवच इस संसार में जितना भी आपका लोकान आशीष जो आशीर्वाद है ना वो भी सब समाप्त हो जाती है जो आशीर्वाद मिला हुआ है कभी 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 हम सोचते हैं ना क्या जरूरत है आशीर्वाद का क्या जरूरत है आशीर्वाद को मैं तो अभी बड़ा मैं तो आशीर्वाद देने वाला हो गया अभी आशीर्वाद का कोई जरूरत ही नहीं है मुझे तुमको ध्यान रखिए बिना आशीर्वाद का जब भौतिक संसार में प्रगति नहीं तो फिर आप भक्ति में तो भूल ही जाना बिना आशीर्वाद का प्रगति हो सकती है। इसके लिए मगर यहां पर मान लो हमने बहुत आशीर्वाद इकट्ठा किए हैं वैष्णवों का खूब सेवा कर करके एक अपराध सारा आशीर्वाद को डिस्ट्रॉय कर सकता है एक ही अपराध बहुत ज्यादा नहीं जी मान लो खूब आशीर्वाद मिली है वो वैष्णव दिया है वो वैष्णव दिया है वो महाराज जी दिए खूब आशीर्वाद इकट्ठा किया हमने सेवा कर करके
मगर क्या होगा, अगर एक अपराध कर लिए तो बस हो गया समाप्त, सबका सब खत्म। मीन्स कहने का तात्पर्य कि कितना खतरनाक है वैष्णव, ये समझने चाहिए हमको। ये नहीं कि निरुत्साहित करने के लिए नहीं बता यार, गया हमने तो कितना अपराध किया होगा यार, फिर तो मेरा तो माइनस में चला गया अकाउंट, तो मेरा तो माइनस में, जो आशीर्वाद मिला हो तो गया गया और माइनस में ही हूं मैं, अभी और इकट्ठा करूंगा तो भी वो माइनस ही अभी भरता रहेगा। तो बहुत खतरनाक है जी, ये प्रमाण है सामने सामने, तो हमारे सामने प्रमाण ही सर, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आयुः श्रियः यशः धर्मः लोकानाशिषः वचहन्ति श्रेयांसि सर्वाणि, सब सब कुछ पुंसो महदक्रम, अगर अपराध करता सब कुछ खत्म हो जाता। नैवेर्याय प्रसन्तात् प्रसन्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा हृदेत धनिस्वे अपि बरोजितम्। ये वाला मैंने बताया, जब तक वो वैष्णव अपराध नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर अपराध किया उनके प्रहलाद के प्रति तब उसका विनाश निश्चित है। और तब तक पर हिरण्यकश्यपु का कुछ नहीं हुआ जब तक वो अपने बेटा को प्रहलाद वैष्णव के प्रति अपराध नहीं, जैसे अपराध किया तब भगवान उनको समाप्त कर ज्यादा समय नहीं लगेगा हमको समाप्त करने में भगवान को। तो यस, ये वाला हमने श्लोक को पढ़े थे, हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनन्दन्ति क्रुध्यते, छह प्रकार के वैष्णव अपराध हैं यहाँ पर वर्णन आती है। क्या क्या? हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवानां नाभिनन्दन्ति क्रुध्यये क्रुध्यये क्रुध्यते यातिनो हर्षम, क्रुध्यते यातिनो हर्षम दर्शने पतनाति पतनानि सठ सठ, यानी छह प्रकार की अपराध से हमारा पतन हो जाती है वैष्णव अपराध। क्या क्या? हंती, पहला क्या है? मारना, वैष्णवों को मारना पहला हंती। निंदंती, वैष्णवों का निंदा करना, पहला वैष्णवों को मारना, दूसरा वैष्णवों का निंदा करना। वैद्वेष्टि, वैष्णवानम न अभिनंदंती, न अभिनंदंती स्वागत नहीं करने से, वैष्णवों को स्वागत नहीं करने से। मान लो वैष्णव आप दिख गए आपके घर के बाहर, घर पे नहीं बुलाते हो गया कल्याण अपराध, देख लो कितना खतरा है। अच्छा है कि नहीं देखे, देख के नहीं बुलाया तो हो गया कल्याण। नाभिनंदंती क्रुध्यते, चौथा क्या है? क्रोध करने से, क्रोध से अगर देख भी लिया आपने तब भी अपराध लगेगा। नो हर्षम, वैष्णव को देखकर खुश नहीं होने से, अगर मुस्कुराया नहीं आप, वही मुंह लटका के ही बैठा है, गया कल्याण हो गया आपका। समझ रहे हैं? वैष्णव के प्रति अपराध का यहाँ पर कितना खतरनाक बताया गया है। हंती, पहला मारने से या मारने के लिए प्रयत्न करने से। अब लोग, मैंने अभी तक मारा तो नहीं ना, मारने के लिए प्लानिंग भी करने से, मन में भी आ गया ना मारना है, तब भी अपराध लग गया, मारने का अपराध लग जाएगा। बाकी कलयुग में कितना भी पाप सोचो उसका कोई दंड नहीं है, समझ रहे हैं? कितना भी पाप के बारे में सोचना कोई दंड नहीं उसका, अपराध के बारे में सोचा तब हो गया कल्याण। समझ रहे हैं ना? पाप, कोई भी पाप वृत्ति होगा, मैं आज यार चाय पीऊंगा, आज एक चाय चुस्की मार देता हूं, सोच आपने पिया नहीं उसका कोई दंड नहीं है, मगर आपने ये सोच लिया आज चाय बनाऊंगी मैं, मेरे घर पे जो वैष्णव आएंगे उस चाय में इसको जहर दे के मार दूंगा, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सोचा है, बस लग जाएगा आपको अपराध। हंती निंदंती, निंदंती निंदा करने से, और वैष्णवरम नाभिनंदंती उनको स्वागत नहीं करने से। क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतंती सख, इस प्रकार से जो मारता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, नाराज या गुस्सा होता है और प्रणाम नहीं करता है, यहाँ पर है ना एक
प्रणाम नहीं करता है और खुश नहीं होता है, क्या खुशी का अनुभव नहीं करता है, छह हो गया ना, मारना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, नाराज या गुस्सा होना, नाराज भी मत होना रे बाबा कभी किसके प्रति, तो खास करके वैष्णव के प्रति नाराज भी नहीं होनी चाहिए, नाराज हो गया तो भी, लेकिन मैं उनके प्रति नाराज हूं ना तो मुझे क्या होगा, उनको आगे क्षमा मांगना चाहिए, आप नाराज हुआ तो गया अपराध। प्रणाम नहीं करना, प्रणाम तो बिल्कुल करनी चाहिए, अगर नहीं किया तब भी अपराध है। और खुशी का अनुभव नहीं करना या प्रसन्न नहीं होना वैष्णव को देख कर, तो वो सब निश्चित रूप से कहा गया यहाँ पर 100% वो नरक जाएंगे। ये छह प्रकार के हैं, ये छह प्रकार के हैं। समझ में आ गया क्या क्या है? पहला क्या है? मारने से। दूसरा क्या है? हाँ जी, ईर्ष्या करने से। हाँ, निंदा करने से सेकंड नंबर। तीसरा ईर्ष्या करने से। चौथा गुस्सा करने से, नाराज होने से। पांचवा उनको प्रणाम नहीं करने से। छठा उनको देखकर खुश नहीं होने। ये छह प्रकार के अपराधों का यहाँ पर वर्णन होगा। हमारी आलोचना हमेशा बिना ईर्ष्या या घृणा के व्यवहारिक एवं रचनात्मक होना चाहिए। तो बोले आलोचना कर सकते हैं फिर तो वैष्णव के बारे में, नहीं यहाँ बताए ना। हमारी आलोचना हमेशा बिना ईर्ष्या या घृणा के व्यवहारिक एवं रचनात्मक होना चाहिए। अभी आलोचना कौन कर सकता है जी? वैष्णव के बारे में आलोचना कोई लीडर हो, कोई गुरु हो, कोई काउंसिलर हो, वो आलोचना कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में, किसके लिए कर सकते हैं? ईर्ष्या से नहीं, किसलिए कर सकते हैं? बिना ईर्ष्या के उनके कल्याण के लिए। समझ में आया? मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई भक्त जप में सोते हैं, नींद आते हो, सोते रहते, सबके बोल के फिरे, अरे यार वो तो सोता रहते, पता है क्या, वो तो सोता रहता है, पता है क्या, वो तो सोता रहता है, पता है क्या, जिस जो मिलता है उनको बोलते रहते, वो मायापुरवासी तो हमेशा सोता रहता है, वो मायापुरवासी हमेशा सोता रहता है, वो मायापुरवासी, सभी को बोला आपने, वो तो मेरे बारे में बोलोगे बहुत अच्छा है, मगर कोई दूसरे वैष्णव के बारे में अगर बोला आपने, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, बोलते रहे, वो तो अपराध है। मगर कोई मान लीजिए उनकी गुरु है, वो उनको बुलाकर बोलेंगे आप ये जप में सोते हो, नहीं सोना चाहिए आपको, या गुरु काउंसिलर, उनका जो काउंसिलर उनके साथ चर्चा कर रहे थे, काउंसिलर गुरु को बोलते गुरुदेव वो जो है जप में सोता है, ज्यादातर सोता है, तो गुरु महाराज बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है, उनको मैं समझाता हूँ, जप में नहीं सोना चाहिए। ये जो आलोचना है ये बिना ईर्ष्या का है, किसके लिए आलोचना किया? उसके बारे में बोले, मगर उनके कल्याण के लिए, कि वो कैसे अच्छा जप कर पाएगा, ना सोकर जप कर पाएगा, उसके लिए आलोचना हुआ। कौन? दोनों मैच्योर होना चाहिए, दोनों चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में, दोनों मैच्योर होना चाहिए और दोनों लोगों का उद्देश्य होना चाहिए उसका कैसे कल्याण हो। हम लोगों का जो आलोचना कैसे होता है, क्यों होता है, उसको नीचा दिखाने के लिए हमारा आलोचना होता है, हम लोग का आलोचना। मगर एक लीडर है या एक मैच्योर व्यक्ति है, वो जब चर्चा करता है किसी से, उनके कल्याण के लिए चर्चा करता है ना, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं रहता है। और कहते हैं व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए, और दूसरा है रचनात्मक होना चाहिए, यानी उसमें कोई रिजल्ट आना चाहिए अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके डिस्कशन से और लॉस हो रहा है, लॉस वाला नहीं, वो डिस्कशन से कोई रिजल्ट होना चाहिए अच्छा, कि उससे उनका कल्याण हो गया। चलो मैं दो तीन लोग को पूछता हूं, कोई उदाहरण बताओ, जैसे मैंने एक उदाहरण बता दिया, कोई उदाहरण बताओ, चरण से मत, कोई उदाहरण बताइए, कोई भी एक ऐसा उदाहरण बताइए, मैं शेयर करता हूं, आप देख लेना। हमारी आलोचना हमेशा बिना ईर्ष्या या घृणा के व्यवहारिक एवं रचनात्मक होना चाहिए। एक घटना तो मैंने आपको बता दिया, एक गुरु काउंसिलर दोनों बात कर रहे हैं एक वैष्णव के बारे में कि ये जप में सोता है, ये एक मैं उदाहरण बताया,
ये चर्चा से क्या हुआ, गुरु गुरुदेव जो बोले ठीक है मैं उनको समझाऊंगा वो अच्छे से जप करेगा नहीं सोएगा, तो ये एक अच्छा रचनात्मक एक रिजल्ट आया। वैसे कोई आप एक उदाहरण बताइए इसी को लेते हुए, ये मिस मेन आपका कह सकते हैं कि मुद्दा है, इसको लेते हुए उदाहरण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यस जैसे किसी क्लास में किसी कोई लीडर है और उसकी क्लास में जैसे किसी को कोई भक्त है और उसको अगर कुछ जैसे कोई पार्टीज करता है या मूवीज देखता है या कुछ वैसा, तो उसको अपने को सुधारने के लिए जैसे कि तो अपन शिक्षा गुरु या अपने गुरु से चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको कि ये प्रभु जी ऐसा है, तो इसको मैं अच्छे जी जी से शायद बता नहीं पा रही हूँ। समझ गया, एकदम परफेक्ट है। माता जी हाँ ने क्या उदाहरण दिए, माता जी ने कहे, मैं इसको हटाता हूँ, माता जी ने बोले कि आप देखे हमारे हम क्लास में आ रहे हैं तो हमको पता चला कोई एक वैष्णव है वो जो है बहुत टीवी देखते हैं और जब करते हैं सब करते हैं क्लास में आ रहे हैं और टीवी देखते हैं, जबकि ये टीवी उनके लिए अच्छा नहीं है हमको पता है। तो हमने जाके उनका जो काउंसिलर है या उनका जो गुरु है उनके पास से जाके बोले, यही ना राइट, यही ना माता जी, हम जी उनके जी जी क्लास की जो लीडर हैं जो क्लास देते हैं या कोई जो काउंसलर उनको जाके बोले कि प्रभु जी वो जो है ना वो टीवी देखते हैं, आप कैसे समझा सकते हैं उनको, समझाइए अच्छा है ना, वो टीवी नहीं देखेंगे तो और भक्ति में प्रगति होगा उनका, आपने जाके बोले इस प्रकार से बहुत अच्छा है। ये जो माता जी ने जो उदाहरण दिया ऐसे बोलेंगे तो उसमें कोई अपराध नहीं है, आपने उनके कल्याण के लिए बोला, मगर आप जाओगे प्रभु जी के पास, प्रभु जी आपको पता है क्या क्या करते हो, काउंसिलर क्या कर रहे हो आप, देखते नहीं हो, देखो प्रभु जी कितना टीवी देखता है, कुछ तो करो उसके लिए, वो पतन हो गया उसका, पति के नंबर का देखो, बोलने का तरीका अलग है, एक तो ईर्ष्या द्वेष से आप बोल रहे हो उनको खींचने के लिए उनके टांग, और एक उनकी उनको भलाई के लिए आप एक एक बोल रहे हो, तो किस प्रकार से आप बोलते हो मायने रखता है। ठीक है, तो इसके लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, हम क्या बोल रहे हो मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। और कोई उदाहरण देंगे क्या आप में से, एनीबॉडी एल्स, नया माता जी, करुणानिधि प्रभु जी, ओके नया माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे भक्त लोग प्रसाद खा रहे हैं और नमक नहीं है, तो एक तो बोलेगा क्या बनाया, बिल्कुल नमक ही नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं है, और एक ऐसा बोलेगा कि आज जगन्नाथ जी का नमक खाने का मन ही नहीं था, कितना स्वाद आ रहा है, ऐसा भी है। ये तो आपने उदाहरण जो दिए ये तो आपने गुण बताए, एक तो गुण हो देखकर भी अवगुण को बताओगे आप, मैं वो बोल रहा हूँ, अवगुण को बताना है आपको, नहीं बताना नहीं है, छुपा देना तो बहुत बढ़िया है, वो तो चलो अच्छा ही है, आप अवगुण में भी गुण देखा बहुत अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ आपने अवगुण देखा उसको चर्चा भी करना है, किस हिसाब से चर्चा करोगे आप वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका उदाहरण को मैं बोल रहा हूँ, नमक कम था आपने खाया, नमक कम है, आप अभी क्या करोगे, मंदिर में जो अध्यक्ष है जल कोई है जो किचन का इंचार्ज है उनके पास जाओगे, प्रभु जी आज थोड़ा नमक कम था प्रभु जी, हो सकता है आज पता नहीं कोई जो कुकिंग की है हो सकता है कमी हो गया, अगर नमक बराबर रहेगा तो अच्छा है, सब लोग आनंद ले पाएंगे और भगवान के लिए भी अच्छा है, तो ऐसे आप बता सकते हो जाके, अपराध दृष्टि से नहीं, आपने सुधार के लिए बताया कि ये अगर अच्छे से नमक रहेगा तो अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा, और वो जाके बोले कि प्रभु जी क्या करते हो आप लोग मंदिर वाले, ध्यान नहीं देते हो, इतना लोग के लिए कुकिंग करते हो आप, नमक ही नहीं डालते हो, भूल जाते हो, कौन कुकिंग टीम कौन है उनको आप समझाओ, ये क्या हो गया, ये होता है अपराध, समझ रहे हैं ना, आपका उदाहरण एकदम परफेक्ट है, मगर छुपा दोगे तो खत्म ही बात है, वहां पर तो अपराध है ही नहीं, आपने छुपा लिया, हजम कर लिया तो अपराध ही नहीं है, आपने गुण देख लिया, अवगुण को देखकर चर्चा करने की विषय है, आपने बोला किसी को जाके किस प्रकार से आप बोलते हो, वो बात आपका बिना द्वेष का होनी चाहिए और वो कैसे होने चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हम लोग तो कमी ना होने पर भी कमी को निकाल के बोलते हैं, ये हम लोग का ये स्वभाव है, कमी होने पर भी उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करोगे आप, वो बात है, ठीक है ना, ओके ठीक है, और कोई एक उदाहरण बताइए, कोई एक जन और, एनीबॉडी एल्स, करुणानिधि प्रभु जी, ओके एक उदाहरण बताइए आप कोई। हरे कृष्ण बोले, जैसे प्रभु जी अपन जैसे आरती कर रहे हैं या मंगला आरती कर रहे हैं, संध्या आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रभु जी, तो उसमें अपन जैसे आचमन बरोबर नहीं किया कोई भक्त ने, वो तो डेली यही गलती हो रही है, तो भक्त लोग उसमें देखेंगे कि वापिस सीनियर भक्त को बोलेंगे कि ये डेली थोड़े गलती हो रही है ये प्रभु जी से,
तो वापस जो सीनियर भक्त हमको बोलेगा कि हमारे से थोड़ी गलती हो रही है, आपसे गलती हो रही, तो इसको सुधारो। तो प्रभु जी कैसा होगा? हाँ, ऐसा अगर कोई भक्त को आप देख रहे हैं आरती में भी गलती कर रहे हैं, कुछ आपको ऐसे लग रहा है, तो आप जाके जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको बोल सकते हैं कि वैसा हमने ऐसा सुना था, वो ऐसे कर रहे हैं, सही है क्या? आप पूछ सकते हो प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो यस, तो हमने ये भी चर्चा किए थे कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, ये सबसे पहला अपराध है, ये सोचना कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, माई वे इज हाई वे, ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे पहला अपराध एक्चुअली। और इसी में हम फंसे रहते हैं, मंदिर में आने के बाद भी हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से होना चाहिए कार्य, मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो करना चाहिए, मेरे हिसाब से होने चाहिए, मंदिर के हिसाब से नहीं, मंदिर के परिचालन कैसे, मेरे हिसाब से होने चाहिए, मैंने वहां पर यह सीखा था तो मेरे हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, नहीं चलेगा। या देखिए, जब भी जो मंदिर का अध्यक्ष होते हैं या मंदिर के मैनेजमेंट होता है, वो हमेशा स्थान काल पात्र अनुसार ना उन नियमों को बनाते हैं, मगर प्रभुपाद जी के नियमों को सामने रखते हुए उन नियमों को रखते हैं, कभी तो नियम चेंज करते भी है प्रभुपाद जी के नियमों को नहीं तोड़ते हुए। यानी ऐसे कोई भी कार्य में प्रभुपाद जी का नियम उल्लंघन ना हो उसको ध्यान रखते हुए वो फ्लेक्सिबल कभी कभी करते हैं, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लोग तो सब जानते हैं, इसके लिए ऐसा पब्लिकली नहीं बोल सकता, जैसे आरती नॉर्मली एक फुल फ्लेज मंदिर में आरती कितना होता है, 7 आरती होती है, भोग लगता है 8 बार नॉर्मली। हमारे यहाँ पर कितना बार आरती होती है पता है? सुबह मंगल आरती होती है, दर्शन आरती होती है, फिर शाम संध्या आरती, 3 आरती होती है, 7 की जगह 3 होती है, 4 आरतियां नहीं हो रहे हमारे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये अपना पंचरात्रिक प्रदीप के अनुसार हमने ड्यूटी वर्षिप बराबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और श्रृंगार डेली होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 3 दिन श्रृंगार होती है, भोग 8 बार लगना चाहिए, हमारे इधर कितने बार लगता है, 2 बार या 3 बार करीब। तो ये क्या है, नियमों के विरुद्ध है ये तो, मगर अभी परिस्थिति में इतने भक्त नहीं है हमारे पास, ना ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, ना यहाँ पर जो ड्यूटी वर्षिप करने वाले भक्त है, इसके लिए हमने धीरे 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 सेवाओं को इतना रखे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इस हिसाब से, है कि नहीं। तो वो जो होते हैं खास करके मैनेजमेंट, वो काम देखते हैं, पात्र देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, यहाँ पर कितना कितना क्या करना है वो करते हैं। बोले नहीं नहीं मैंने तो देखा हूँ यहाँ वृंदावन में इतना आरती होता है, आपके यहाँ पर भी करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते हो आप लोग, अब तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने बोल रहा हूँ होना चाहिए। बाहर एक कम से कम एक पानीपुरी का काउंटर होना चाहिए, मैं जू में देखा था, आप उदयपुर वाले को अभी तक पानीपुरी का काउंटर नहीं बनाया, करना चाहिए एक पानीपुरी का काउंटर, मैं बोलता हूँ करना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ करो, या मेरे हिसाब से होनी चाहिए, सबसे पहला अपराध है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, मंदिर की परिचालन का हिसाब से जो होता है उसमें हमको एडजस्ट करना है जी, समझ में आया। मंदिर के परिचालन के अनुसार संडे को खिचड़ी बनाए तो हमको उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा। बोले क्यों खिचड़ी, संडे फीस्ट आप लोगों ने लिया 5,000 रुपया, खिचड़ी क्यों खिलाओगे, संडे फीस्ट पूरा होनी चाहिए, राइस दाल सब्जी चपाती पूरी आदि नहीं, परिचालन का अनुसार जो डिसाइड किए वो होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा। इसके लिए हमेशा देखिए अथॉरिटी को फॉलो करना सबसे बड़ा मीन्स सबसे सेफ है, आप अथॉरिटी को हूबहू फॉलो कर रहे हो ना आप सेफ हो, आप कहीं नहीं गिर सकते हो। हम मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम अथॉरिटी को ही टारगेट बना के अथॉरिटी को काट के आगे चलते हैं। अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, मंदिर का हो, गुरु वृंद का अथॉरिटी हो, या हमारे मैनेजमेंट का अथॉरिटी हो, रीजनल सेक्रेटरी, जोनल सेक्रेटरी, जीवीसी, जो भी अथॉरिटी है, इसको फॉलो करके हम रह रहे हैं, भले उसमें कुछ कमी है उनका बोलने में। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले कुछ भक्त परम पूज्य गुरु महाराज के पास गए थे, तो महाराज जी को, महाराज जी से बात हो रही थी, तो महाराज जी को बोले वो ऐसे कर रहे हैं तो क्या करे। महाराज जी बोले अगर वो गलती भी बोले ना तो भी आपको वही करना है जो वो बोल रहे हैं। महाराज जी ने एकदम सब स्पष्ट बोले, गुरु महाराज जी अगर वो आपके लीडर है, अगर गलती कर रहे हैं और या बोल रहे हैं, आपको वही करना है जो बोल रहे हैं, वही आपके लिए सेफ है, वही आपके लिए सेफ है। महाराज जी एकदम क्लियरली बोले, बोले कि वो जो बोलेंगे वही वही सही है, आप ये मत बोलो कि आप क्या सोचते। कुछ दिन पहले
जुहू में देवकी नंदन पो मिले थे, प्रभु जी से मैं बात कर रहा था। तो प्रभु जी बोले अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, गलत करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो इसका, ऐसे मुझे बोले प्रभु जी ने। बोले अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उनको, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको वो लगेगा ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो उसके बारे में, और उनका चिंता उनकी जो अथॉरिटी करेंगे, आप टेंशन मत लो। मुझे ये बोले जी प्रभु जी ये बात, यही तो कमी है कि हम सोच रहे कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके लिए भक्तों बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको कहाँ पर हम गलती कर लेंगे। ओके सो आगे, एक वैष्णव अपराध यानी हजार जीव अपराध मिलकर एक वैष्णव अपराध होता है, कितना खतरनाक है देख लो। हजार अगर जीव अपराध करोगे तो एक वैष्णव अपराध की तुल्य है, यानी आप एक वैष्णव अपराध किया तो हजार जीव अपराध कर लिया आपने, वेरी डेंजरियस। यह हरिनाम चिंतामन में स्पष्ट बताए हरिदास ठाकुर जी। जे सबाए वैष्णवेरा निंदा मात्र हो, जे सबाए वैष्णवेरा निंदा मात्र हो, सर्वधर्म थाकी ले तबु होय भागवत मध्य 13:41। जे सभा वैष्णव रो निंदा मात्र हो, जो सभा में, अकेला नहीं, जो सभा में वैष्णव की निंदा होती है, सर्व धर्म था कि अगर सारा धर्म को पालन कर रहे हो सभा वाले, अगर निंदा कर लिया तबू तो हो छाए खत्म, वो सभा में सब खत्म हो जाएंगे। देख लो पूरा सभा का सभा, मान लो हजार लोगों का सभा है, वहां पर कोई वैष्णव का निंदा हो रही है तो सब खत्म। वो तब हो क्षय सन्यासी, बड़ा प्रसिद्ध बात कहते हैं, बहुत ही बहुत आश्चर्य। सन्यासी सभाए जदि होए निंदा कर्म, सन्यासी सभाए जदि होए निंदा कर्म, मध्य पेर सभा होते सब लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं बाहर निकाल रहा हूं, जो जो वीडियो ऑफ करके बैठे सबको बाहर निकालूंगा मैंने। अभी मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं वीडियो ऑन रखना जरूरी है, वीडियो जो ऑफ करेंगे करके मुझे बोले हैं ऑफ करके रख सकते हैं। मुझे पहले रिक्वेस्ट आया है कि कोई किसी ने बोला मैं ट्रैवलिंग में हूं, ठीक है वो नहीं करेंगे चलेगा, बाकी सबको वीडियो ऑन करना चाहिए। जो मुझे रिक्वेस्ट किए हैं उनको छोड़ के बाकी सब वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं मीटिंग से बाहर निकलूंगा। पहले ही बोलता हूं मैं आपको, कैसे पता चलेगा कि आप मीटिंग में बैठे हो पढ़ रहे हो, मेरे क्लास में तो आप नहीं चलेगा ढीला डाला। आपको अगर क्लास में आना है तो नियम में रहिए, नहीं तो क्लास में मत आइए। तो सन्यासी सभाए जदि होय निंदा कर्म, अभी इससे पहले क्या चर्चा था, अगर कोई सामान्य सभा में वैष्णव का निंदा होती है तो जितना भी धर्म अगर पालन भी कर ले उनका तो क्या हो जाएगा, वो सब कुछ क्षय हो जाएगा उनका जो भी धर्म किया होगा। यहां पर कह रहे अगर सन्यासी का सभा होगा तो सभी सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी लोग है सब, वहां अगर निंदा हो गई किसका, वैष्णव का, तब बोलते हैं कि वो मध्यपों का सभा उससे भी श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हैं, बेवड़ाओं का अगर इकट्ठा होते हैं वो उनसे श्रेष्ठ है सन्यासियों से। मध्य पेर सभा हो तसे सभा धर्म, पीने वाले लोगों का सभा इससे अच्छा है सन्यासियों से, तो पीने वाले अच्छा है। देख लो क्या बोल रहे हैं, चैतन्य भागवत का बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मध्य पेर सभा हो तसे सभा धर्म, तो मध्यप का सभा पीने वाले का सभा भी अच्छा है इनसे सन्यासियों से, तो अगर वैष्णव अपराध होता है। यानी अभी ये क्लियर होता है कि क्या सन्यासी भी वैष्णव अपराध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सन्यासी भी अब अगर करेगा वैष्णव अपराध, उनको भी नीचे गिरना पड़ेगा, उनका भी पतन निश्चित है जी। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि ये बहुत वरिष्ठ भक्त है ये निंदा कर सकता है वैष्णवों का,
हम चलो ठीक है हम छोटे मोटे, मगर ये सन्यासी हो गए या ये टेम्पल प्रेसिडेंट हो गए या हो सकते ये जनरल सेक्रेटरी है या हो सकते जीवीसी, ही कर सकते निंदा। कौन कर सकते है? कोई नहीं कर सकते निंदा, कोई भी करेगा उसको नीचे गिरना ही गिरना है 101%। फिर कहते हैं मध्यो पेरो निष्कृति आछे आछे को ना तले, मध्यो पेरो निष्कृति आछे को ना तले, पर चर्च केरो गति न है कबू भाले, पर चर्च केरो गति अगर बेवड़ा व्यक्ति हो पीने वाले मध्य दारू पीने वाले हैं, एक समय आएगा उनका कल्याण हो जाएगा, मगर जो निंदा करने का जो लोग निंदा करते परचर्चा करे जो है उनका गति कभी नहीं हो पाएगा, नेवर एवर कभी हो ही नहीं सकता उनका कल्याण। अगर पीने वाले दारू पीने वाला व्यक्ति का हो सकता है एक समय उसको कल्याण हो जाएगा अगर अपराध नहीं किया तो, मगर वो अगर निंदा करता है वैष्णव का उसका कभी भी कोई उपाय नहीं है उसका। हाँ और आगे अभी अभी बता रहे हैं, देखिए सन्यासी वो यदि अनिंदक निंदा करे अध पाते जाए सर्व धर्म चुते तारे। फर्स्ट क्लास सन्यासी व्रत को पालन कर रहा है बढ़िया से, जो जो सन्यासी का नियम बताया गया शास्त्रों में बढ़िया से पालन कर रहा है, मगर उसने वैष्णव निंदा किया तो क्या होगा, अध पाते जाए सर्व धर्म क्या हो गए घुचे तार, जितना भी आज तक धर्म पालन किया है ना सारा धर्म खत्म और नीचे गिरेगा 100%। और सन्यास है तो क्या होगा, गिरना ही गिरना है। बहुतुली जगतेरो बले गौरव धाम, ये बहुत सुंदर प्यार है, बाहुतुली जग तेरे बले गौरव धाम, बाहुतुली जग तेरे बले जगत तेरा बोले, दोनों दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अरे कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, मगर क्या है कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अनिंदक होए निंदा बिना करके अगर कृष्ण बोलते हो क्या बोल रहे हैं, सत्य सत्य मुही, मैं वचन देता हूं आपको, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं आपको, महाप्रभु का प्रतिज्ञा ये भागवत में चैतन्य भागवत में क्या बोल रहे हैं, अनिंदक होए स कृष्ण कृष्ण बोले, अगर अनिंदा करके बिना निंदा का वैष्णव अपराध किए बिना अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है, मैं वचन देता हूं आपको सत्य सत्य और त्रिवार सत्य मुता के उद्धार करूंगा, मैं उसको 100% उद्धार कर लूंगा। यानी भगवत धाम जाने के लिए रास्ता वैष्णव अपराध के बिना कृष्ण नाम, अच्छा से नाम जप करो यानी क्या है, ध्यान पूर्वक नाम जप करो यानी क्या है, ध्यान पूर्वक नाम जपना यानी ऐसा नहीं कि बिना सो के एकदम बढ़िया से बैठ के जप करना, अच्छे से ध्यान से जप करना यानी बिना अपराध से नाम जप करना, उसको कहते हैं अच्छे से नाम जप करना, समझ में आ रहा है। भले आप 2 घंटा 3 घंटा बढ़िया से नाम जप कर रहे हो मगर निंदा दिन सर तो वैष्णव निंदा करते हो, तब तो फिर उन्न देव जब का क्या फायदा है, तब तो निंदा से सब हमारा पतन हो सकती है कि नहीं। तो महाप्रभु ने वचन दिया है अगर कृष्ण कृपा चाहिए तो बिना निंदा अनिंदक हो सब कृष्ण कृष्ण बोले, अगर बिना निंदा का कृष्ण का नाम लेते हो तब तो सत्य सत्य मैं 100% में आपको उद्धार करूंगा। विद्याकुल तपसव विफल तहार वैष्णव निंदा जे जे पापी दुराचार,
विद्या कुल तप सब विफल, बहुत विद्या है उसका, बड़ा ज्ञानी है, शास्त्र को जानता है, गीता भागवत को जानता है, कुल ब्राह्मण कुल में आया हुआ है, तप बहुत तपस्या किया हुआ है, सब फल विफल, वैष्णव निंदा जे पापी दुराचार, बड़ा दुराचारी अगर वैष्णव निंदा करता है, कितना भी सदाचारी व्यक्ति अगर निंदा कर रहा है तो दुराचारी, उसको सदाचारी बोल ही नहीं सकते। पूजा होता हर कृष्ण न करे ग्रहण, और व्यक्ति का तो पूजा भगवान ने स्वीकार ही नहीं करते, वैष्णवेरो निंदा करे जे पापिष्ट जन, वो महापापी है संसार में, सबसे बड़ा पापी है, उसका पूजा भगवान स्वीकार न करेंगे ही नहीं। आप कितना नैवेद्य धूप धूप करके भगवान का पूजा करो, स्वीकार नहीं स्वीकारेंगे नहीं। जे वैष्णव नाचिते, यहाँ पर वैष्णव का गुणगान बताया गया, क्या बोल रहे हैं, जे वैष्णव नाचिते तू थी धन्य हो, जे वैष्णव नाचिते तू थी धन्य हो, जाए दृष्टि मात्र दशा जी के पाप वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते, जय वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते, स्वर्गे रस फल विघ्न घुचे भल माते, स्वर्गे रस फल विघ्न क्या वैष्णवों का गुणगान की गई है। जे वैष्णव नाचा है पृथ्वी धन्य हो, अगर वैष्णव कीर्तन में नाचते हैं पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है, भूदेवी क्या होती है गदगद हो जाती है, आज वैष्णव मेरे ऊपर नाच रहे हैं, ये वैष्णव का महिमा है। देखिए पृथ्वी गदगद हो जाएगी, जे वैष्णव नाचा है पृथ्वी धन्य हो, जाए दृष्टि मात्र, यानी जिसका दृष्टि मात्र से अगर वैष्णव दृष्टि डाला सिर्फ देखा, दसों दिके पाप क्षय, दसों दिशाओं में जो जो पाप है सब खत्म सिर्फ देखने से, ये तो प्रमाण है जी, चैतन्य भागवत का प्रमाण बोल रहा हूं मैं, वृंदावन दास ठाकुर ने प्रमाण दिए हैं, क्या वैष्णव का महिमा है जी। एक एक वैष्णव, अकेला एक वैष्णव एक ब्रह्मांड को तार सकता है, इतना शक्ति धारण करता है वैष्णव, वैष्णव को नहीं जानते हैं आप। जाए दृष्टि मात्र, उसका अगर सिर्फ दृष्टि डालता है, दस दिशा है, चार दिशा है, चार कोना है, आठ हो गया, और ऊपर और नीचा कितना हो गया, दस दिशा, इसको दस दिशा कहते हैं, चार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार कोना, चार दिशा हो गया आठ, और ऊपर और नीचा टोटल दस दिशा, ये वैष्णव जहां पर नजर डाल गया उस दिशा में जितना जितना पाप सब खत्म। फिर क्या कहते हैं, जे वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिया, अगर वो हाथ खड़ा कर दिया नाचते नाचते, सिर्फ नाचा तो पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है, अगर नाचते नाचते अगर दोनों हाथ ऊपर कर लिया तो स्वर्ग सकल विघ्न घुचे भाल मते, वो स्वर्गलोक का जो भी अगर विघ्न होगा वो उड़ जाता है वहां से, स्वर्ग का पाप क्षय है, स्वर्ग में कुछ विघ्न होगा वहां से वहां ऊपर, कितना महिमा है, बाप रे बाप, सिर्फ नाचते नाचते गलती से हाथ उठा लिया तो गया, स्वर्ग का सारा कष्ट समाप्त, सारा विघ्न स्वर्ग का बुझ जाएगा, इतना वैष्णव का शक्ति है। प्रभु बोले वैष्णव निंद जय जन, कृष्ण रोग कौन तारल, शास्त्र क्या है, शास्त्रीय लिखन, महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु यानी यहां पर महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में, वैष्णव निंदा जय जन, अगर कोई वैष्णव निंदा करता है कुष्ट रोग होता है, सुना आप लोगों ने कुष्ट रोग होता है, महाप्रभु बोले कौन बोला सिर्फ कुष्ट रोग होता है, कुष्ट रोग होता है करके, ना 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 ना, ना सिर्फ कुष्ट रोग ही नहीं होता है, 84,000 यम यातना प्रत्यक्ष पुनः पुनः करी भुंजे वैष्णव निंद के, अरे सिर्फ कुष्ठ रोग नहीं होती है, 84,000 यम यातना प्रत्यक्ष, कितना समय तक उसके यम यातना मिलेगी, 84,000, ओहो हो 84,00,000 योनियों में उसको
यातना मिलता रहेगा। सिर्फ कुष्ठ रोग तो सामान्य है, महाप्रभु बोले कौन बोले, कौन बोला आपको सिर्फ कुष्ठ रोग होती है, ना ना ना, वो तो 84,000 योनियों में भटक भटक कर यम यात्रा, हर एक योनि में उसको यम यात्रा मिलेगी, उसको पुनः पुनः करी, एक बार नहीं बार 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 वो आता रहेगा, बार बार उसको क्या होगा, दंड मिलता रहेगा। सेवे करो द्रोह मुई सहित ना पारो, महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा सेवक का द्रोह, मेरे सेवक के प्रति अपराध में सहन नहीं कर पाता। पुत्र यदि हो मोर तथापि तहार, अगर मेरा बेटा भी होगा ना उसका भी मैं संहार कर दूंगा, संहार है वो, मैं उसको भी मार दूंगा अगर वैष्णव अपराध करेगा तो। क्या बात कर रहे हैं प्रभु, भगवान कर रहे हैं, भगवान बोल रहे अगर मेरा बेटा भी होगा वैष्णव अपराध करेगा उसको भी मैं बध कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अच्छा किया क्या, बोला बिल्कुल किया, मेरा बेटा को मार दिया मैंने वैष्णव अपराध करने पर। कौन है वो, पुत्र काटो जारत कृष्ण, पुत्र काटो ताय पानारो सेवक लागिया मिथ्या, नाही कोई गुप्त सुनो मन, सुनो मन दिया, मैं मेरा पुत्र को ही काट दिया हूं, मार दिया हूं। आप लोग सुने होंगे नरकासुर के बारे में, कौन कौन सुना है नरकासुर के बारे में, सुने आप लोगों ने, जब वो बराहदेव माता पृथ्वी को जब धारण करके ऊपर लाए, देखिए भगवान पृथ्वी को स्पर्श किए तो पृथ्वी देवी का एक पुत्र हुआ, वो है नरकासुर, भगवान का पुत्र है जी। क्या हुआ नरकासुर का स्थिति, उन्होंने वैष्णव अपराध किया, भगवान ने उसको मार डाला, नरकासुर का वध भगवान ने, उसनी का पुत्र थे, भगवान उनको वध कर दिए। तो यहां पर महाप्रभु भगवान मीन्स भाव में आके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पुत्र काट, मैंने पुत्र को ही मार दिया, अगर वो वैष्णव अपराध किया इसके लिए। सेवो कह रहो हिंसा मुई ना पारो इस सहिते, काटिनु आपन पुत्र सेवक किते, मेरा सेवक कर मेरे बेटा को काट दिया मैंने, समझ रहे हैं, इतना ही नहीं मेरे माँ को भी कृपा नहीं दिया, मैंने कृपा नहीं किया, सती देवी को कृपा नहीं किए थे, हम देखेंगे उदाहरण जब आए। इस प्रकार से यहां पर कितना मीन्स शास्त्र में बताया गया वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है वैष्णव। इसलिए हम भक्तों को बड़ा ध्यान देनी चाहिए। तो मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा कि किस प्रकार से वैष्णव अपराध किए और करने पर उनका स्थिति क्या हुई। सबसे पहला उदाहरण है, आप सब सुने हैं, दक्ष प्रजापति ने महादेव के प्रति अपराध किए और उनका क्या क्या स्थिति हुई। महादेव जी जब प्रजापति दक्ष की सभा में आए, एंट्री किए, तो नहीं, महादेव जी बैठे थे सभा में, सभी बैठे थे, इंद्र चंद्र वरुण आदि सभी बैठे थे, महादेव भी उस सभा में बैठे थे। महादेव तो आप जानते हैं परम वैष्णव है, उनका काम है कि भगवान नाम का जप करते रहना है, वो बड़े ध्यान से जप कर रहे, उनको ध्यान ही नहीं हुआ ससुर जी आए करके। उनकी बेटी को भी विवाह तो किए, दक्ष प्रजापति की बेटी सती को विवाह किए थे भगवान, तो प्रजापति है, प्रजाओं का पति, उनका उपाधि दी गई थी, पोस्ट दिया गया था, और पाले में पूरा पाला चढ़ा, प्रजापति हूं मैं भाई, एंट्री किए तो सभी उठे, सभी खड़े हुए, सभी खड़े प्रणाम किए, अभिवादन जनाए। दो जन नहीं खड़े थे सभा में, ब्रह्मा जी नहीं खड़े थे, महादेव जी नहीं खड़े थे। ब्रह्मा जी तो चलो पिता ही है, दक्ष का पिता, तो ब्रह्मा जी क्या प्रणाम करे, वो तो बैठे थे, महादेव जी नहीं खड़े हुए। एक्चुअली महादेव जी जान के खड़े नहीं हुए ऐसी बात नहीं है, वो तो भगवान नाम में इतना मग्न थे, उनको पता ही नहीं था कि दक्ष प्रजापति एंट्री किए करके। अभी चलो इतना भीड़ में तो कोई देखा नहीं, कौन उठा कौन बैठा, अपना उठा प्रणाम किए लोग, दक्ष का नजर पड़ा। हम लोग का स्थिति ऐसा ही है जी, कितना रिस्पेक्ट में लोगों ने देखते, कौन रिस्पेक्ट नहीं दिया उसके ऊपर नजर जाता, इसलिए तो प्रणाम नहीं किया मुझे, वो इतना बड़ा जी, वहां पर गंधर्व किन्नर बड़े वहां देवता लोग बैठे हुए थे उस सभा में, सभी लोग प्रणाम किए उनको, उतने में उन्होंने उनका नजर पड़ गया महादेव के ऊपर,
अब देख लो, अभी नहीं बोलते तो किसको पता भी नहीं चलता को कौन प्रणाम किया नहीं किया, और जानबूझ के इन्होंने बोला सभा में। आप देख रहे हो ये महादेव को देख रहे हो, ये इसको शिव बोल रहे हो, तो काहे का शिव है ये, इसको तो बड़ों को रेस्पेक्ट देना जानता नहीं है। एक तो मैं प्रजापति हूं, दूसरा इसका ससुर हूं, और तीसरा इससे बड़ा हूं मैं। अगर देखा जाए तो इसको प्रणाम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इसको। और पता है भरी सेवा में इतना क्रोधित हुआ, महादेव तो कुछ बोल नहीं रहे थे, महादेव तो शांति से बैठे हुए थे जी, खड़े होके खुद से क्रोध में बोलने लगे और क्रोध से साथ दे दिए, ये महादेव को, ये शिव को आज से कोई नहीं मिलेगा यज्ञ का, अग्नि का कोई भाग, मीन्स यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलेगा इसको, कोई कोई भाग नहीं, बोल के श्राप दे के वहां से निकल भी गए, इतना क्रोधित थे। अभी ये अपराध हो गई, महादेव के चरणों में अपराध है। महादेव कौन थे? वैष्णव नाम, तो महादेव तो कुछ भी नहीं बोले, महादेव से वहां से चले गए, वहां भी झगड़ा शुरू हो रहा था, महादेव जी उठ के निकल गए। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? सती ने उसके बाद में एक और यज्ञ किया उनके पिताजी, तो उन्होंने सबको इन्विटेशन दिया था, महादेव को नहीं दिया था, दिया ही नहीं तो इस टाइम बोला कि उसको बुला के क्या फायदा है, वो तो उसको कोई रुचि भी नहीं है, और लास्ट टाइम तो उसने प्रणाम भी नहीं किया है, क्रोध तो था ही है। और सभा में बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरा बेटी बहुत सुंदरी है, ये कहाँ भगड़े को दे दिया मैंने, यहाँ वहां घूमता रहता है, राख लगाता रहता है, मुर्ग छाल पहनता रहता है, कोई ना रहने का ठिकाना है, खाने का ठिकाना ना क्या है, बड़ा बुरा बुरा बोला था। जो भी है, तो सती को नहीं बुलाए थे, यानी शिव को नहीं बुलाए थे नेक्स्ट में। तो महादेव जी की पत्नी सती, वो एक दिन देखी बाहर, बाहर घूम रही थी गार्डन में, तो सब ऊपर से बाई वन में जा रहे थे, फ्लाइट में नहीं, उन लोगों की फ्लाइट, देवताओं की फ्लाइट, उसमें जा रहे थे। ये देखिए रे, इंद्र जा रहे, उनकी पत्नी सची जा रही है, अरे ये वरुण जा रहे, उनकी पत्नी जा रही है, सब पति पत्नी सब जा रहे हैं, और हाथ में सबके हाथ में तोड़ती है बड़ी बढ़िया गुलदस्ता, याद आदि सब वहां पर मून फ्लोरिस्ट से बना बना के गुलदस्ता ले गए थे वो लोग, तो निकल थे वो लोग सब। तो तब तो किनका नजर पड़ा, वो किसको बोले, कहाँ जा रहे हो आप? बोले कहाँ क्या जा रहे हो, आपके पिताजी का यज्ञ हो रहा है, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे। तो ये तो सुन के बहुत दुख हुआ इनको, अरे पिताजी यज्ञ करने को नहीं बुलाए, तो बिल्कुल एकदम तिलमिला गए, दुख बहुत हुआ, पिताजी नहीं बुलाए तो होता ना बहुत दुख। तो जाके महादेव को बोले कि पिताजी का यज्ञ है, चलना चाहिए अपने को। बोले काय का चलना चाहिए, वहां जाके क्या करोगे, वो थोड़ी ना आपको रेस्पेक्ट देगा, वहां जाके कोई मतलब ही नहीं आपको, ऐसे तो एक तो बुलाया नहीं, बुलाता तो फिर भी सोचते ना, बुलाया नहीं ना, क्यों जाना। बोले नहीं नहीं, अपने घरों में थोड़ी बुलाना है, बुना बुलाते कोई चलना चाहिए अपने घर, तो अपने हिसाब से चल देना चाहिए। करुणानिधि प्रभु का माइक ऑन है क्या? ओके, ऑफ नहीं किया तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, बताना चाहिए था ना। ओके धन्यवाद, अभी आवाज आ रहा है ना मेरा, आवाज आ रहा है? ओके, समय कम है। तो सती बहुत रिक्वेस्ट की, महादेव बोलेगी तो मान नहीं रही, बोले नहीं नहीं जाना है, मेरे बहन लोग आएंगे, अलग अलग उनके बहुत सारे बहन थे, बहन लोग आएंगे यज्ञ में, सबको मिलूंगा, माँ को मिलूंगा, मिलूंगी पिताजी को मिलूंगी, बड़ा खुश खुश होंगे, तोहफा भी देंगे, गिफ्ट देंगे, साड़ी तोहफा देंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जाना चाहिए अपने को, माँ के घर जाते कुछ ना कुछ मिलती है कि नहीं। तो महादेव जी तो मानने वाली नहीं है, कुछ बोले नहीं महादेव, तो आपको जाना है तो फिर जाओ, और क्या महादेव मनाई कर रहे थे, वही तो जबरदस्ती निकल गई, आप नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रही हूँ, और रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सब लोग जा रहे थे, वहां से निकल रहे थे, कैलाश होके निकल रहे थे सब लोग, पता नहीं देवता लोग भी बड़ा बदमाश है, कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी करते हैं ऐसे। महादेव के उधर से जाने का क्या जरूरत है, घूम के नहीं जा सकते आप लोग, वहीं से निकल रहे थे लोग सब, और इनको तो रहा नहीं जा रहा था साथी, तो बोले चलो निकल निकल ही गई। तब तक महादेव बोले कुछ उनकी संगियों को, गणों को बुला के बोले कि भाई उनके पीछे जाओ, पता नहीं क्या स्थिति होगा, वो मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, आप लोग निकलो पीछे। तो सती तो पहले निकल गई, हुआ वही जो महादेव जी सोचे थे, वहां जाके पहुंची, देखी वो सभा में महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं था, पहली बात है, इतने लोग आए थे, इतना बड़ा आडंबर आयोजन हुआ था, महादेव के लिए आसन नहीं है। बोले कि बाप रे बाप, इतना नीचे गिर गया मेरे पिताजी, मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं है, बहुत क्रोध हुई। वहां क्या तोहफा लेके आएगी, सोना गहना लेके आएगी, वहां जाए तो इतना गुस्सा आया,
और बास वहीं पर एकदम पिताजी को बोलने लगी फड़फड़ाते हुए, अरे नीच कहेंगे आप पिता हो, आपके दाम शिव कौन है पता है? वो महादेव का बहुत गुणगान की, गुणगान करते हुए वहां पर उन्होंने एक श्लोक बोलते हैं कि ऐसे जगह से जहां पर वैष्णव निंदा होती है, आसन नहीं देना भी एक निंदा ही है वैष्णवों का, है कि नहीं? सत्कार नहीं करना भी निंदा है, बुलाना नहीं मीन्स बहुत बड़ा निंदा हुई है। तो ये निंदा अगर कोई सुनता है या देखता है उसका तो 100% उसका क्या है, पतन है। मगर अगर कोई देखता है सुनता है अगर वो प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसको भी नरक जाना पड़ता है, उसको करना चाहिए। तो यहां पर सती कहती है अगर कोई वैष्णव अपराध होता है सुन लिया तो उसको क्या करनी चाहिए, वो तीन चीज बता रही है सती। वहां पर स्वयं से सती बोलती है, पहला है उनको क्या कर लेनी चाहिए, वो सामने वाले को पहला तो वहां से छोड़ के चला, बोलते कि वहां सोर्स से छोड़ के चले जाना चाहिए अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो। नहीं तो क्या करनी चाहिए, वो सामने वाले का जो निंदा किया उनका जीवा काट देनी चाहिए और खुद भी मर जाना चाहिए। उसका जीवा सिर्फ जीवा काटने की बात नहीं कहा गया, खुद भी मर जाना चाहिए। तो इनसे रहा नहीं गया और प्रजापति दक्ष को श्राप देते हुए क्या की, वहीं पर अग्नि प्रकट कराए और वहीं पर शरीर त्याग। और जो शिव की गण थे वो दौड़ के गए महादेव को बोले कि वहां अनर्थ हो गया सती, प्राण त्याग दिया अपना। ओहो, महादेव जी का क्रोध का सीमा नहीं रहा, भयंकर महादेव जी प्रकट किए एक भयंकर स्वरूप को, क्या नाम है उनका, स्वरूप को प्रकट किए वीरभद्र, हाँ वीरभद्र, वीरभद्र प्रकट हुए, बड़ा भयंकर विकाल स्वरूप था, बड़ा एकदम शरीर था, आंख लाल लाल एकदम, बाल बड़ा बड़ा एकदम, आग जैसा एकदम जलता हुआ, क्रोध होके आए वो यज्ञ कुंड की ओर जहां पर यज्ञ चल रहा था, उनकी हवा से चल रहे थे, जो उनकी हवा से ही कुछ लोग उड़ के मर गए थे, इतना भयंकर थे वो, इतना उनका चलना। और यज्ञ कुंड में आए सबको पकड़ पकड़ कर मोड़ तोड़ के मार के खत्म कर दिए। और जो ये था कौन, दक्ष था, बस वहां से तलवार लिए, दक्ष का गला काट दिए खत्म, बस वहीं पर सर से धड़ अलग कर दिए, बस सब सारा यज्ञ कुंड में तहस नहस कर दिए। और भी शिव की गण थे, ये सब ये तो कथा आपने वैसे भी सुने होंगे, मैं बोल रहा हूं कि क्या स्थिति हुआ अपराध के कारण, उनका गर्दन छेद हो गया। जब रियलाइज किया उन्होंने तब क्या होगा, रियलाइज करते करते तो गला तो उड़ गया था, रियलाइज तब नहीं हुआ जी, महादेव जी जब आए वहां पर जब शांत कराया गया तब महादेव जी को फिर सब लोग ने प्रार्थना किया, हो ना हो तो प्रजापति था ही है और आपका ससुर भी है, उसका तो कल्याण करनी चाहिए, उसको जीवित तो कर दो कम से कम। फिर महादेव जी ने चलो कोई बात नहीं उसको जीवित कर दिया जाए, तो फिर उनको बकरा का सर ला के लगा दिया गया और मंत्रित किया, तो फिर वो जीवित हुए। मगर सर किसका था तब रियलाइज हुआ, दुष्ट लोगों को बातों से नहीं मानते हैं, कहते ना लातों के भूत ऐसे हैं, और यहाँ पर गला काटने के बाद बुद्धि आया उनको, तब तक तो बुद्धि नहीं आया था। तब महादेव के चरणों में गिरकर ससुर जी महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की मेरे से गलती होगी, और इसका दंड क्या है, कितना समय तक उनको प्राप्त हुई पता है, बहुत समय तक उनको इस दंड प्राप्त हुई भागवत में कहा गया। तो इस प्रकार से महादेव के प्रति अपराध किए तो दक्ष प्रजापति का कितना कहते हैं कि दक्ष प्रजापति कब तक उनको सफर करना पड़ा, स्वयंभूर मनुओं से चक्षुष मनु तक तीन मनवंतर तक उन्होंने दंड भुगते बोलते हैं, कितना तीन मनवंतर स्वयंभू से चक्षुष, भागवत में ये 4:30-48 में है आप देख लेना, ऐसा परिस्थिति। और भी बहुत सुंदर सुंदर घटना है वैष्णव अपराध से क्या दंड प्राप्त होते या क्या स्थिति होती है, तो अभी समय है नहीं इसके लिए, हम क्लास पर आज यहीं पर समाप्त करेंगे, 7:30 मुझे दूसरा मीटिंग चालू करना है भक्ति शास्त्री का। तो नेक्स्ट क्लास वापस शनिवार को ही है, इस शनिवार को थोड़ा सा मेरा काम था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, हरे कृष्णा।